मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, टेक आउट योर इंग्लिश लिटरेचर बुक्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू चैप्टर, बीथोवेन। बीथोवेन वॉज अ जर्मन कंपोजर एंड द प्रीडोमिनेंट म्यूजिकल फिगर इन द ट्रेडिशनल पीरियड बिटवीन द क्लासिकल एंड रोमांटिक इराज। ओके, देन वी कैन से दैट इट्स अ बायोग्राफी ऑफ बीथोवेन। ओके, तो देखिए, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। म्यूजिक इज द हायर रेवलेशन देन ऑल विजडम एंड फिलोसोफी। दिस ब्यूटिफुल लाइन बाई लुडविंग वैन बीथोवेन सम्स अप द ग्रेट कंपोजर्स लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन। तो देखिए, इनका जो फुल नेम था बीथोवेन का, वो था लुडविन वैन बीथोवेन। ओके, तो इन्होंने कहा था, मतलब इन्होंने ये इनको म्यूज़िक बहुत अच्छे से समझ में आता था, यानी कि वर्ड्स के अलावा, यानी कि इनको जो शब्दों की भाषा थी वो कम समझ में आती थी, म्यूज़िक बहुत जल्दी से समझ जाते थे। तो इन्होंने एक लाइन कही थी, म्यूज़िक इज़ अ हायर रेवलेशन देन ऑल विजडम एंड फिलोसॉफी। यानी कि इन्होंने बुद्धिमानी और साहित्य से अलग हटकर, मतलब इन्होंने कहा कि जो म्यूज़िक है वो मतलब अत्यधिक ग्रेट है, यानी कि अत्यधिक महान है, जिसको इजीली वो समझ जाते थे, यानी कि रेस्पेक्ट करते थे म्यूज़िक को। बॉर्न इन 1770 इन बॉर्न जर्मनी, तो इनका जो जन्म है 1770 बॉर्न जर्मनी में हुआ था। यंग लुडविन वॉज इंट्रोड्यूस टू म्यूज़िक फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज, यानी कि इनको हम म्यूज़िक के लिए जानते थे इनकी छोटी ही उम्र में। हिज फादर जॉन वैन बीथोवेन वॉज अ कोर्ट सिंगर एंड हिज ग्रैंडफादर वॉज वन ऑफ बॉर्न्स मोस्ट एमिनेंट म्यूजिशियंस। यानी कि जो इनके पिता थे बीथोवेन के, जॉन वैन बीथोवेन, वो एक कोर्ट सिंगर थे, यानी दरबार में एक सिंगर थे, गायक थे। और उनके जो दादाजी थे, यानी बीथोवेन को जो दादाजी थे, वो भी एक महान संगीतकार थे। बीथोवेन्स चाइल्डहुड वॉज अ डिफ़िकल्ट टाइम, यानी कि बीथोवेन का जो बालकाल था वो बहुत ही कठिन समय था। हिज फादर बिगिन टीचिंग हिम वायलिन एंड क्लेवियर वैन ही वॉज 4 ईयर्स ओल्ड। यानी कि उनके पिता ने उनको वायलिन और क्लेवियर सिखाना जब ही स्टार्ट कर दिया था, जब उनकी उम्र सिर्फ 4 वर्ष थी। हिज फादर्स ट्रेनिंग मैथड्स वर एक्सेप्शनली हार्स, यानी कि उनके पिता का जो पढ़ाने का सिखाने का तरीका था वो बहुत ही कठिन कठोर था। बीथोवेन वॉज कंस्टेंटली डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप फॉर एक्स्ट्रा आवर्स और प्रैक्टिस। हिज फादर वुड ऑल्सो बीट हिम फॉर ईच हेजिटेशन और मिस्टेक, यानी कि उनके पिता जो हैं उनको एक भी छोटी सी गलती या हेजिटेशन के ऊपर उनको डांटते और मारते पीटते थे, यानी कि उनके पिता उनकी मारपीट भी करते थे। ही वॉन्टेड हिम टू बिकम अ म्यूजिकल प्रोडिगी लाइक मोजार्ट, यानी कि जो मोजार्ट है, एक जिनका जन्म 1756 में हुआ था, ये एक ऑस्ट्रियन कंपोजर हैं, उनकी तरह बनाना चाहते थे। यानी कि जिन्होंने अपनी सबसे कम उम्र में, यानी कि मोजार्ट ने अपनी उम्र के सबसे कम उम्र में, सबसे पहला जो उनका डेब्यूट परफॉर्मेंस है वो 6 साल की उम्र में किया था। तो उनके पिता, बीथोवेन के पिता, मोजार्ट की तरह उनको बनाना चाहते थे। सैडली बीथोवेन्स फर्स्ट शो वॉज नॉट अ बिग सक्सेस डिस्पाइट एन इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस। इन सब के बावजूद भी जो बीथोवेन का प्रथम परफॉर्मेंस, यानी कि पहली जो परफॉर्मेंस है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशील नहीं रही थी। डिस्पाइट हिज म्यूजिकल जीनियस, बीथोवेन वॉज अ मेडियोकोर स्टूडेंट इन अदर सब्जेक्ट्स। ही स्ट्रगल्ड विद मैथ्स एंड स्पेलिंग्स ऑल हिज लाइफ। यानी कि जो बीथोवेन की जो क्वालिटीज़ थी वो एवरेज थी बाकी के अदर सब्जेक्ट्स में भी, यानी कि उनको स्पेलिंग्स और मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होती थी। ही वन सेड, म्यूजिक कम्स टू मी मोर रेडली देन वर्ड्स, यानी कि मैं म्यूजिक को शब्दों से अधिक जल्दी समझ आता हूँ। हिज बायोग्राफर्स हैव सेड दैट बीथोवेन माइट हैव सफर्ड फ्रॉम डिसलेक्सिया, यानी कि जिन्होंने भी उनके जन्म के बारे में लिखा, उन्होंने सभी राइटर्स ने ये लिखा कि
उनको डिसलेक्सिया था, डिसलेक्सिया यानी कि डिसऑर्डर दैट रिजल्ट्स इन डिफ़िकल्टी इन रीडिंग एंड राइटिंग स्पेलिंग्स, यानी कि एक ऐसी बीमारी जहाँ पर लिखने और शब्दों यानी कि को पढ़ने में यानी कि स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए 1784 में बीथोवन के पिता की मृत्यु हो गई, यानी कि वो अपन मृत्यु से मतलब सॉरी वो उनके परिवार को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे फाइनेंशियली, यानी कि तो वो कहते हैं कि बीथोवन को उनकी जगह पर वहाँ पर कोर्ट में रखा जाए। तो देखिए उनको बीथोवन की बीथोवन को वहाँ पर कोर्ट में एज अ म्यूजिशियन रखा गया। इन 1787 द कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड बीथोवन टू वियना। तो देखिए 1787 में कोर्ट ने डिसाइड किया कि वो बीथोवन को वियना भेजना चाहते हैं, जो कि यूरोप की सांस्कृतिक राजधानी है, यानी कि वहाँ पर सांस्कृतिक म्यूज़िक सिखाया जाता है। देयर इज स्पेकुलेशन दैट बीथोवन मेट मोजार्ट देयर। वहाँ पर सबसे अच्छी बात ये हुई कि इनकी मुलाकात जो है मोजार्ट से हुई, यानी कि बीथोवन की मुलाकात किससे हुई, मोजार्ट से, जो कि सबसे छोटी उम्र में संगीत का बहुत ज्ञान था। एज द लीजेंड गोज अपॉन हियरिंग बीथोवन, मोजार्ट सेड समबडी ही विल गिव द वर्ल्ड समथिंग टू टॉक अबाउट हावर वी थिंग्स वियना। विजिट वॉज कट शॉर्ट वैन ही रिसीव्ड द न्यूज़ ऑफ हिज मदर्स डेथ। तो देखिए जब वो वहाँ पे वियना गए हुए थे तो वहाँ पे उनको खबर मिलती है, एक दुखद घटना होती है उनकी फैमिली में कि उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। ओके तो उनको वापस आना होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से 1792 में वापस वियना के लिए अपने होम टाउन को छोड़ देते हैं। तो देखिए इस तरह से वो म्यूज़िक अच्छे से कंपोज करना सीख जाते हैं। तो देखिए बीथोवन मेड हिज पब्लिक डेब्यूट इन वियना ऑन मार्च 29, 1795। तो देखिए जो पब्लिक में पहला डेब्यूट वो करते हैं, यानी कि पहली एंट्री करते हैं अपनी म्यूज़िक के साथ, वो करते हैं 29 मार्च 1795। तो देखिए इस पीरियड के टाइम पर उन्होंने अपने जो म्यूज़िक का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, यानी कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो इसी समय में उनके साथ उनकी जो पर्सनल लाइफ में एक ट्रेजेडी होती है, ही स्टार्टेड गोइंग डीप, यानी कि उनको सुनाई नहीं देता। इस समस्या के बावजूद भी वो कंटिन्यू जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक को कंपोज करना बंद नहीं करते, यानी म्यूज़िक कंपोजिशन उनका जारी रहता है। तो देखिए उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी मदर का भी डेथ हो जाती है और उनको पर्सनली प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनकी जो डीपनेस है वो बढ़ती जाती है। तो देखिए बीथोवन डाइड ऑन मार्च 26, 1827 एट द एज ऑफ 56, यानी कि बीथोवन की जो मृत्यु है 26 मार्च 1827 को हो जाती है। लुडविन वैन बीथोवन इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ क्रूशियल लिंक बिटवीन द क्लासिकल एंड रोमांटिक एजेस ऑफ वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक एंड द फैक्ट ऑफ बीथोवन कंपोज्ड हिज मोस्ट ब्यूटीफुल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी म्यूजिक व्हाइल बीइंग डीप इज अ सुपर ह्यूमन फीट ऑफ क्रिएटिव जीनियस अनपैरल्ड इन हिस्ट्री। तो देखिए ओवरऑल हम यही कहेंगे कि जो बीथोवन है वो एक बहुत ही अच्छी महान म्यूजिक कंपोजर थी। सबसे अच्छी बात यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि उनकी डीफनेस के बावजूद भी, यानी कि उनको सुनाई देने की जो शक्ति है वो उनकी छीड़ होती जाती है, उसके बावजूद भी वो अपने सुंदर संगीत की रचना करते रहे थे, यानी कि सुपर ह्यूमन फीट, यानी कि एक महान कर्तव्य उन्होंने जो किया है वो कि इतिहास में आज भी जाना जाता है, याद किया जाता है। ओके थैंक यू, बाय बाय।